रास्ते में जा रहे थे किसी सिटी में उनका कयाम था, तो वहां पे एक औरत आके मिली और बोली कि पिकासो आई एम योर बिग फैन, हाउ आर यू, और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं और मुझे आपसे कुछ गिफ्ट चाहिए। समझ आ रही है? यस सर। वो औरत पिकासो को कहती है कि सर मुझे आपसे कोई गिफ्ट चाहिए क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। कोई निशानी अक्सर लोग मांगते हैं। तो पिकासो ने कहा मेरे पास तो इस वक्त कुछ भी नहीं है। नो आई नीड समथिंग। औरत ने कहा नहीं मुझे कुछ चाहिए। तो पिकासो ने जेब से एक पेंसिल निकाला, 30 सेकंड में कोई स्केच ड्रा किया और औरत को कहता है कि ये ले लो, ये $10,00,000 का पेंटिंग है। औरत को लगा के पिकासो गया, दिमाग खराब गया, भाई ये पेंसिल की 30 सेकंड में बनने वाली स्केच $10,00,000 की पेंटिंग है। तो खैर पिकासो गया, औरत आई रात को, पूरे दिन, अगले दिन, दो दिन, चार दिन मार्केट को सर्च किया और उसको पता चला कि वो जो स्केच पिकासो ने दिया था वो वाकई $10,00,000 में बिक सकता है। उसने बेच दिया। फिर सर्च करना शुरू कर दिया कि मैं पिकासो से कैसे मिलूंगी। पिकासो के पास गई वो औरत, फिर पिकासो से मिली। पिकासो ने फिजाना, हाँ जी फिजाना जी, मैं वही बना कि आपने और आपने जो स्केच ड्रा किया था वो तो वाकई में $10,00,000 की थी। पिकासो ने कहा हाँ जी थी, तभी तो बोल रहा हूं। तो उसने कहा अच्छा भाई पिकासो आप मुझे ये पेंटिंग सिखाए। क्यों यार ये तो बड़ी अजीब सी जॉब है, 30 सेकंड में $10,00,000 कमाने का, तो इससे ज्यादा तो स्मगलिंग में भी पैसा नहीं है। मुझे बस ये सीखना है और मैं भी 30 सेकंड की स्केच ड्रा करूंगा और ड्रा करूंगी और $10,00,000 की पेंटिंग में बनाऊंगी। तो पिकासो ने जो क्या कहा आज हम अपनी किताबों में लिखते हैं। पिकासो ने कहा यह 30 सेकंड में जो मैंने पेंटिंग ड्रा की वो $10,00,000 की थी। आई नो आई एक्सेप्ट, बट इसकी सेकंड तक पहुंचने के लिए मैंने अपनी लाइफ के 30 साल कुर्बान कर दिए, तब जाके मैं पिकासो बना। देयर इज नो शॉर्टकट।